पूर्व मंत्री एवं सदस्य भाजपा के विधायक अनिल शर्मा का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की जरूरत है और इसे लागू करने का यही सही समय है। ये बात उन्होंने आज मंडी में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कही। अनिल शर्मा ने कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए दिए अपने समर्थन को भी अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि आज देश को इसकी जरूरत है। केंद्र की मोदी सरकार ने 9 वर्षों में कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। अनिल शर्मा ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग उठाई है कि पूर्व की सरकार के समय शुरू हुए विकास कार्य को अधूरा न छोड़ते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। करना अच्छी बात है। एक विधायक होने के नाते एक राजनीति के अंदर राजनीतिक तौर से कई बातें होती रहती है। मैं स्वागत करता हूँ इस बात को उन्होंने बताया है और ये उनका कहना इसका मैं क्योंकि राजनीतिक तौर पर नहीं है, हर चीज समय पर होती है। आज उचित समय आ चुका है जब हम यूसीसी को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि राजनीति से भटकाने की बात है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 साल के अंदर इतने काम कर रखे हैं, कामों की लिस्ट बनाने रहे, तो बहुत काम जो है हर स्तर के लोगों के लिए काम किया, तो इसलिए आज इसकी जरूरत है और जरूरत के ऊपर जो है केंद्र सरकार ने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। मंडी का कॉलेज है, यदि उसकी लागत बड़ी है तो जब इसको रोक के नहीं उसको पूरा करने का ही प्रयास करना चाहिए। यदि हम और डिले करेंगे तो उसकी लागत और बढ़ेगी और वही कारण है कि शिवधाम की बात है, शिवधाम का प्रोजेक्ट भी जो है उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया गया। हम कहते हैं कैंसिल कर दिया परंतु उसको रीटेंडर करने का प्रोसेस जल्द से चालू होना चाहिए क्योंकि शुरुआत तो हो चुकी है। अब उस शुरुआत को आगे बढ़ाने के लिए और ये बात मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री से मिलकर मैंने कहा कि जो हमारा ईडीबी का हमारा जो टूरिज्म का प्रोजेक्ट है उसमें लगभग 130 करोड़ के प्रपोजल जो है शिवधाम के लिए उन्होंने कहा कि अब इसको जो है उसमें डाला हुआ है और यदि वो 130 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारा इसमें आता तो इस शिवधाम को आप और गति प्रदान कर सकते हैं। पर मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध रहेगा कि इस तरह की बहुत सी हमारी मेरे क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र या पूरे प्रदेश के अंदर बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो लंबित पड़ी है, पिछली सरकार के माध्यम से शुरू की गई और अब सरकार ने चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, मंडी यूनिवर्सिटी की बात हो, उसको उस रफ्तार से उसको हम खोलने का जो प्रयास, क्योंकि जमीन ले ली गई, जमीन का ट्रांसफर करने का भी काम शुरू कर दिया गया है, तो ऐसी योजनाएं जब तक उस पर धरातल पर नहीं उतरा जाएगा तब तक मात्र कहने से कुछ नहीं बन पाएगा। और ये भी पाया गया कि उनके एजेंट इसलिए कहना चाहूँगा कि हॉस्पिटल में ऐसी व्यवस्था बन चुकी है और इसका संज्ञान मैंने इसलिए लिया, मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया कि यहाँ पर सीएमओ के माध्यम से मेडिकल सुपरिटेंडेंट के माध्यम से एक लेटर सेक्रेटरी हेल्थ को लिखा गया कि इस तरह के लोग जो हैं हॉस्पिटल के अंदर घूमते हैं जो कि पेशेंट को लेकर अपने प्राइवेट संस्थान में ले जाने का प्रयास करते हैं और एंटरिस्ट जो है शान डोगरा करके जो है अभी उन्होंने कल ज्वाइन किया है, मैं इसका धन्यवाद करना चाहूँगा कि और इसमें उनका ये जो है 2-3 दिन के अंदर क्योंकि इसमें कुछ जो क्रिया होती है जिसमें इन्होंने करना है तो उसमें 2-3 दिन के अंदर वो सारा कुछ करके मशीनों के अंदर जो है काम करना शुरू करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मंडी।